Hello friends, welcome back to the Core Chemical Engineering channel. In this video I'll discuss about tray stability diagram. So the main purpose of tray stability diagram is to provide a means to visualize what is happening in the tower. ये जो आपके distillation column होते हैं या absorption column या stripper column होता है, उसके अंदर जो आपके trays होते हैं, तो उसके trays के ऊपर basically inside the column mass transfer आपका होता है दो फेज के बीच में, लिक्विड एंड वेपर फेज के बीच में. ओके, तो एक्चुअली में अंदर कॉलम के अंदर वो फेनोमेना आपका अच्छे से एग्जैक्टली मास ट्रांसफर सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोसेस जो इनसाइड हो रहा है वो अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई डेविएशन आ रहा जिससे हमारा जो आउटपुट प्रोडक्ट आए वो जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है उससे मैच ना करें. तो बेसिकली इस ट्रे स्टेबिलिटी डायग्राम में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशंस को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के बाद एनालाइज करते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो ये आप इमेज देखेंगे तो एक सिंगल ट्रे शो किया हुआ है. यहाँ से आप एक प्लेट अबव है, ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है अबव प्लेट है, ये प्लेट ब्लू है. तो बेसिकली तीन ट्रे यहाँ पे दिखाया गया. इसमें क्या था, टॉप ट्रे से लिक्विड क्या होगा, यहाँ से आएगा डाउन कॉमर के थ्रे और इस वाले ट्रे पे यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होगा, राइट. फिर इस वाले ट्रे से अगेन लिक्विड डाउन कॉमर के थ्रू डाउन में जाएगा, राइट. नाउ गैस का जो फ्लो होगा क्या होगा, डाउन से होगा. तो गैस का फ्लो जो होगा ट्रेस से होगा. ट्रेस भी कई टाइप्स के होते हैं आपके, सीव ट्रेस हो सकते हैं, फ्लेक्सी वाल्व ट्रेस हो सकते हैं, या आपके चिमनी ट्रेस हो सकते हैं. ओके, बबल कैप ट्रेप हो सकते हैं. तो इसके थ्रू इसके जो सीव्स होते हैं ट्रेस के, उसके थ्रू वेपर का फ्लो होता है, राइट. ये वेपर फ्लो होगा और इन सारे सीव्स के थ्रू जाएगा और यहाँ से लिक्विड नीचे आने की कोशिश करेगा. तो ये पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है. ओके, तो इसके हिसाब से आप एक कंपोनेंट का, गैस का कोई एक कंपोनेंट लिक्विड में ट्रांसफर होगा, लिक्विड का इसमें ट्रांसफर होगा, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम निकलता है. जैसे हम अपना ऑपरेटिंग कंडीशन फिट करके रखते हैं उसके हिसाब से हमारा प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट आता है. बट इन केस सपोज हमारा दो ही चीज़ तो हम एडजस्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, एक तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड फ्लो रेट, दूसरा क्या है, वेपर फ्लो रेट, राइट. अगर हम सपोज कीजिए इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट का डेविएट कर दें, सपोज लिक्विड फ्लो रेट ज़्यादा हो जाए, गैस का फ्लो रेट कम हो, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे लिक्विड ट्रे पे लोड बढ़ जाएगा. तो एक केस तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लिक्विड नीचे आना स्टार्ट कर दे और गैस जा ही ना पाए और गैस इधर से जाना स्टार्ट हो जाए. हो सकता है गैस जा ही ना पाए, लिक्विड सारे इधर से भी आए इधर से भी आए. ओके, तो इस हिसाब से, या गैस का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, आपका लिक्विड सारा कैरी ओवर होकर चला जा रहा है, तो ये सारे डेविएशन इनसाइड हो सकते हैं. इसको समझने के लिए हम लोग ट्रे स्टेबिलिटी डायग्राम प्लॉट करते हैं. तो ये जो सारे फेनोमेना हो रहे हैं उसको बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक को कहते हैं कॉनिंग, दूसरा इंटेनमेंट, तीसरा फ्लडिंग, फोर्थ वीपिंग. तो ये आपके चार फेनोमेना आपके बेसिकली अनडिज़ायरेबल फेनोमेना होते हैं अगर जो आपका लिक्विड और गैस का फ्लो रेट डेविएट होता है. तो कॉनिंग किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ये आप ग्राफ अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी द ग्राफ हेयर, दिस इज रिप्रेजेंट एट वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस. इन केस सपोज इफ योर बोथ ओके वेपर एंड लिक्विड फ्लो रेट इज लो, ओके दिस वन इज ऑल्सो लो एंड दिस वन इज ऑल्सो लो, देन कोनिंग विल स्टार्ट. कोनिंग इन द सेंस बबल विल गो बट इट विल नॉट, इतना इसका फ्लो रेट नहीं होगा कि लिक्विड को क्या है, लिक्विड के जो वेट है उसको पास करके ऊपर की तरफ निकल जाए. ओके, तो इसके लिए कोन जैसा शेप, ऐसा कोनिंग ऐसा ऐसा बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कोनिंग बोलते हैं, राइट. तो ये अनडिज़ायरेबल होता है. नाउ सेकंड क्या होता है, सपोज आपका लिक्विड फ्लो रेट वेपर फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और लिक्विड फ्लो रेट कम है, मतलब ये वाला पोर्शन जैसे आपका आ रहा है, अब वेपर फ्लो रेट ज़्यादा हो रहा है और लिक्विड फ्लो रेट यहाँ पर कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेनमेंट. इंटेनमेंट क्या होता है, आपका गैस का फ्लो रेट, वेपर का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्टली कैरी ओवर हो जाएंगे वेपर के साथ और दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, तो अगेन ये इसका जो फ्रोथ का हाइट होगा वो बढ़ता जाएगा और वो एक हिसाब से फ्लडिंग का केस क्रिएट करेगा, राइट. नाउ द सेकेंड केस,
तो इसमें क्या है, इंटेनमेंट कब होता है, हाई वेपर रेट होता है, लो लिक्विड रेट होता है। नाउ द थर्ड फेनोमेना, अनडिजायरेबल फेनोमेना विच इज हैपनिंग इज फ्लडिंग। ओके, तो फ्लडिंग कब होता है, सपोज आपका वेपर रेट बहुत ज़्यादा और लिक्विड फ्लो रेट भी आपका बढ़ता है, उस केस में क्या होगा, इंटेनमेंट तो आपका होगा ही, प्लस लिक्विड का क्या होगा, आपका बिल्डअप होने लगेगा। तो एक हिसाब से ये लिक्विड का ये डाउन कोमर में भी ये फिल हो जाएगा लिक्विड सारा, और यहाँ पे भी एक्यूमुलेट होगा, तो ऊपर से क्या फ्लडिंग हो जाएगा, जितना भी कुछ लिक्विड होगा इधर से यहाँ से आके भरना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका गैस और लिक्विड का प्रॉपर क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस फेनोमेना को क्या होते हैं, फ्लडिंग। तो फ्लडिंग में क्या होता है, डाउन कोमर से तो आएगा, सीव के थ्रू से भी, मतलब क्या होगा आपका, इधर से ही फ्लो होने लगेगा और ये डाउन कोमर से भी फ्लो होने लगेगा। तो ये भी एक अनडिजायरेबल फेनोमेना है, इसमें हाई लिक्विड हाई वेपर फ्लो रेट के केस में फ्लडिंग होता है, राइट। नाउ जो आपका फोर्थ फेनोमेना होता है वो होता है वीपिंग। ओके, राइट। वीपिंग कब होता है, जब आपका जो वेपर फ्लो रेट है वो लो है और लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो हाई है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपका लिक्विड का फ्लो रेट क्या हाई है, वेपर का फ्लो रेट क्या लो है, उस केस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट आपका बनने लगता है ये क्या होता है, वीपिंग। वीपिंग क्या होगा, लिक्विड फ्लो रेट सपोज आपका हाई है ये, राइट। तो हाई होगा क्या होगा, जो आपके सीव्स होंगे ना उसके थ्रू लिक्विड का क्या होगा, मूवमेंट आने लगा बेसिकली, ना कि वो डाउन कॉमर के थ्रू आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो मास ट्रांसफर एक्चुअली में होना डिजायरेबल क्या होना चाहिए, गैस का फ्लो रेट नीचे ट्रेस से होना चाहिए, लिक्विड का फ्लो रेट इस पे आके ट्रेस पे रहना चाहिए, दोनों का इंटेंस मिक्सिंग यहाँ पे होना चाहिए और मास ट्रांसफर होना चाहिए, और बाद में लिक्विड डाउन कॉमर के थ्रू नीचे आना चाहिए। बट आपका वीपिंग होगा तो क्या होगा, लिक्विड डायरेक्ट क्या होगा, नीचे आने लगेगा, और गैस क्या होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, हो सकता है किसी एक पार्ट से ऊपर जाए थोड़े से, या फिर इसके डाउन कॉमर के थ्रू होके जाए, ओके, क्रॉस चैनलिंग हो जाए। तो क्या होता है कि जो हमें मास ट्रांसफर, एग्जैक्ट मास ट्रांसफर चाहिए वो हो नहीं पाता, तो ये अनडिजायरेबल इफेक्ट है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि ट्रे स्टेबिलिटी डायग्राम में हम ये पता करेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है, ओके, वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हमारा लिक्विड फ्लो रेट ज़्यादा है, वेपर फ्लो रेट कम है, या वाइस वर्सा, वेपर फ्लो रेट ज़्यादा है, लिक्विड फ्लो रेट कम है। तो बेसिकली क्या है, हमारा क्या हो जाए, एरिया ऑफ जो ऑपरेटिंग कंडीशन होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ये, ओके, एरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। तो हमारा जो वेपर या लिक्विड का फ्लो रेट होना चाहिए इस वाले रेंज में आना चाहिए, तभी हमारा ऑपरेशन सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, तभी हमारा जो आउटपुट आएगा, प्रोडक्ट आउटपुट आएगा वो सही आएगा, उसका प्योरिटी या कंसनट्रेशन जो डिजायरेबल कंसनट्रेशन है हमारा उतना आएगा। तो यही है बेसिकली आपका ट्रे स्टेबिलिटी डायग्राम। तो गाइज होप यू अंडरस्टूड वेल, आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो गाइस, दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।